मेहनती टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वह अपने काम को पूरी लगन से करती थी और फिर वह एक दिन सुबह सुबह उठती है और बोलती है, अरे ये क्या हुआ, आज तो बहुत ज़्यादा सवेरा हो गया। मुझे तो आज खेतों में बहुत सारा काम है। चलो एक काम करती हूँ, कालू भैया को बुला लेती हूँ। कालू भैया चलो आज खेत में हमारी कुछ हेल्प करा दो। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं खेत में काम करने जाऊंगा? कैसी बातें कर रही हो, मुझे खेत में काम करने नहीं जाना है। तुमको जाना हो तो जाओ। यह सुनकर टूनी चिड़िया नाराज़ हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वह अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। बहन, आज हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा काम है और आप चलिए साथ में हमारी मदद करा दीजिए, जिससे हमारा काम आसानी से ख़त्म हो जाएगा। यह सब टूनी चिड़िया बोलती है, लेकिन उसके दोस्त भी उसको मना कर देती है खेत में काम करने से जाने के लिए। और फिर वह अपने एक दोस्त के पास और जाती है और उससे बोलती है, बहन आज हमारे खेतों में काम ज़्यादा है, चलो आप हमारी थोड़ा मदद कर दीजिए। अरे ओ टूनी, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे खेत में काम करने के लिए? मैंने बरसात में खाने के लिए ना ढेर सारा अनाज रखा हुआ है। वैसे भी मुझे तुम्हारे खेत में काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारा काम है, तुम जाओ करो, ठीक है? यह सब सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती है और वह अपने खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने खेतों की बहुत ही परिश्रम और मेहनत से खेत की गुड़ाई करती है और उसमें बीज डाल के घर पर चली जाती है। फिर वह कुछ समय बाद खेतों को देखने आती है तो उसके खेतों में बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर फसल उगी होती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि उसने कितनी मुसीबतें और कितनी मेहनत करके उस फसल को तैयार किया था।